डाउन दी हेडिंग, इसमें लिखो ब्रैकेट में वैसे लिख लो ओरिजिनली कॉल्ड एज, इसको पहले कहा जाता था रेड डेटा बुक, ओरिजिनली कॉल्ड एज रेड डेटा बुक ऑफ रशियन फेडरेशन, और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इज रशियन। इट इज मेंटेन्ड बाय, इस बुक को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं? इट इज मेंटेन्ड बाय IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, एंड दिस इज मेंटेन्ड बाय WCU। वैसे ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये दोनों रेड डेटा बुक को या रेड लिस्ट को, रेड डेटा बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड लिस्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं। अब रेड डेटा बुक को अगर मैंने डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ये क्या है रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक क्या है? इट इज अ कैटलॉग ऑफ टैक्सा, अलग अलग जानवरों को अलग अलग लेवल पर स्टडी करा जाता है, जानवरों और प्लांट्स को। इट इज अ कैटलॉग ऑफ टैक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये इस कैटलॉग में ज्यादातर उन जानवरों पे एम्फसाइज किया जाता है जो जस्ट मरने वाले हैं या कुछ सालों में मर जाएंगे। दैट इंक्लूड किनको स्टडी करा जाता है? दैट इंक्लूड प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंगस को, एक्सेट्रा। पर एक बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी नहीं करी जाती। अब जो रेड लिस्ट थी, जो रेड डेटा बुक थी ऑफ द ईयर 2000, इट हैज एक्सेस्ड, उसके अंदर दो हजार सन में रेड डेटा बुक में 18,000 स्पीशीज को चेक किया था, जिसके अंदर ये लग रहा था कि वो थ्रेटन्ड हैं, वो बिल्कुल मरने वाले हैं। इट हैज एक्सेस्ड 18,000 स्पीशीज, इट हैज एक्सेस्ड 18,000 स्पीशीज, आउट ऑफ विच जिनमें से 11,000 स्पीशीज के आसपास वर इन थ्रेटन्ड लिस्ट, दे वर इन 11,000 जो स्पीशीज हैं जिनको हमने सर्च आउट किया है, जिनको हमने स्टडी किया है, जो हमारे रीच में थी ईयर 2000 में, उनके अंदर से टोटल बात कर रही हूं मैं फ्लोरा और फौना की, उनके अंदर से नियरली 11,000 स्पीशीज ऐसी थी ईयर 2000 में जो थ्रेटन्ड थी। और इसके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 5485 में अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ एनिमल स्पीशीज थी, और 5611 के आसपास प्लांट स्पीशीज थी जो ईयर 2000 में थ्रेटन्ड मानी गई थी। फिर ईयर 2004 में जो थ्रेटन्ड स्पीशीज थी, और कितनी सारी स्पीशीज थ्रेटन्ड लिस्ट में आ गई थी, यानी कि एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, तो थ्रेटन्ड स्पीशीज अराउंड 15,500 के आसपास हो गई टोटल। फिर ईयर 2011 में थ्रेटन्ड स्पीशीज की वैल्यू बढ़ गई, और ज्यादा जानवर और पौधे थ्रेटन्ड वैल्यू में इंक्लूड हो गए, वो थे 17,000 स्पीशीज। अब हम डिस्कस करने लगे हैं 8 कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज, क्या क्या मेन कैटेगरीज होती हैं, मेन बता रही हूँ, वैसे तो ये बुक बहुत वास्ट है, लेकिन क्या मेन कैटेगरीज होती हैं जिनके अंडर एनिमल्स को इसमें और प्लांट्स को पढ़ा जाता है, रखा जाता है, कौन सी कैटेगरीज हैं जिनकी डेटा को मेंटेन करा जाता है। 8 कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज मेंटेन्ड बाय
देख लिया, वो नहीं है, मेंटेन्ड बाय रेड लिस्ट। एट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज मेंटेन्ड बाय रेड लिस्ट। पहली है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये तो मेन है कि भैया कौन सी स्पीशीज अब अर्थ पे नहीं है। ये वो टैक्सा है, ये वो लेवल है जानवरों का या प्लांट्स का जो अब है ही नहीं। मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल सबके साथ जरूर दूंगी। टैक्सा कंप्लीटली एलिमिनेटेड, बोथ इन वाइल्ड, जंगलों में भी नहीं दिखते, नॉर इन टेम्ड एरियाज। और जहां पर इनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है या इनको संभाला जाता है, वहां पर भी अब ये नहीं है। ये स्पीशीज है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, कहीं नहीं है। एग्जाम्पल डोडो बर्ड मॉरिशियस की, वैसे मैं आपको कहीं एक्सटिंक्ट स्पीशीज इसी चैप्टर में पीछे करवा चुकी हूँ। देन द सेकेंड थिंग इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कि ये वो जाति प्रजातियां हैं जानवरों की और प्लांट्स की जो जंगलों में खत्म हो चुकी हैं, मे बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जू में हो थोड़ी बहुत। अब है दिस इज टैक्सा एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट। अब रेड डेटा बुक इस पहले एक्सटिंक्ट स्पीशीज का ध्यान रखती है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कौन कौन है ये स्पीशीज के बारे में भी रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। सो टैक्सा एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट, ये वो जानवर और पौधे हैं जो अपने नेचुरल, जहां पर ये पाए जाते हैं वहां पर अब ये खत्म हो चुके हैं। दे आर टैक्सा एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट बट दे मे बी डोमेस्टिकेटेड इन एरियाज लाइक जू। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको जू जैसे एरियाज में मे भी कहीं डोमेस्टिकेट किया गया हो। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्प्रे टोड, ये जू में नहीं रखा जाता तो एटलीस्ट लैब्स में रखा जाता है। एंड देन अ वैरायटी ऑफ किंगफिशर बर्ड, माइक्रोनेशियन किंगफिशर, इनको भी बर्ड कैंप्स के अंदर रखा गया, अदरवाइज ये वाइल्ड में अब ये जानवर नहीं है। तीसरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तीसरा इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बिल्कुल ही खत्म होने के कागार पर, वर्ज पर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये जानवर बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इनमें 950 तो एनिमल स्पीशीज हैं और 1000 प्लांट स्पीशीज हैं जो बिल्कुल हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एनिमल है विच इज कॉल्ड एज पिग्मी हॉग। ये एनिमल पहले था, कुछ सालों पहले था, इट एग्जिस्टेड इन, ये भूटान में था, ये नेपाल में भी पाया जाता था और ये इंडिया में भी पाया जाता था। बट नाउ, लेकिन अब करंटली ये सिर्फ इंडिया में है, वो भी हार्डली 150, 150, बट नाउ ओनली इन इंडिया, और ये है 150। एक और एग्जाम्पल लिखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का, पोडोफाइलम प्लांट, ये एक हर्बेशियस प्लांट है। दिस इज हर्बेशियस प्लांट और ये भी अब थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट। अब हम फोर्थ लेवल की बात कर रहे हैं, हमने अब तक देखा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अब हम फोर्थ लेवल की बात कर रहे हैं कि रेड डेटा बुक के अंदर उन जानवरों का डेटा भी रखा गया है या प्लांट्स का डेटा भी रखा गया है जो एंडेंजर्ड लिस्ट में है, दे आर इन एंडेंजर्ड लिस्ट।
दे आर ऑल्सो फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन क्रिटिकली डेंजर्ड की तरह उतना हाई रिस्क नहीं है, पर हाई रिस्क है इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन दो रीजंस हैं, एक तो इनकी स्मगलिंग बहुत हो रही है, पोचिंग हो रही है, और एक इनके हैबिटेट्स को, जंगलों को काट दिया जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन हैबिटेट एंड पोचिंग। ड्यू टू डिक्रीज इन हैबिटेट एंड पोचिंग, इसमें एग्जाम्पल है रेड पांडा, ब्लू वेल और इद्री लेम्यूर। ये भी कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे अगर जंगलों को इनडिस्क्रिमिनेटली काटते रहे हम लोग तो। नेक्स्ट स्पीशीज है वनरेबल। ये स्पीशीज वो हैं, ये डिप्लीटेड स्पीशीज हैं, मतलब कि इनको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं हम। फिलहाल तो इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। सो इसमें ये लिखो प्रेजेंटली, इनके बारे में प्रेजेंटली पॉपुलेशन इज सफिशियंट, प्रेजेंटली पॉपुलेशन इज सफिशियंट बट दे आर स्लोली अंडरगोइंग डिप्लीशन, बट दे आर स्लोली अंडरगोइंग डिप्लीशन। फिलहाल तो है पर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल है ब्लैकबक और इंडियन गेजेल डियर, सिक्स कैटेगरी। सिक्स कैटेगरी है लोअर रिस्क। जो जानवर और पौधे अभी हैं, इनको इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, अभी लोअर रिस्क पर हैं। दे आर थ्रेटन्ड लोअर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। गड़बड़ तो इनमें भी होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, पर अभी सफिशियंट से ज्यादा हैं। सेवेंथ कैटेगरी है उन जानवरों और पौधों की जिनका डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या जिनके बारे में भी हमें पता नहीं है, या उतना हमारे को उनके उनका अलग अलग हैबिटेट्स का डेटा नहीं पता कि वह हर जगह पे वो कितने हैं, इसलिए हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। सो लेस डेटा टू असेस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अभी हम नहीं इनके बारे में बता सकते कि ये कब एक्सटिंक्ट होंगे और कब नहीं, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्योंकि हमें इन प्लांट्स के थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी हैबिटेट्स का इतना नहीं पता। नेक्स्ट कैटेगरी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जिनको हम इवैल्यूएट ही नहीं करते, जिनको हम लोग रेड डेटा बुक में काउंट नहीं करते। दे आर नॉट इवैल्यूएटेड और सर्च्ड फॉर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। हम इन्हें इवैल्यूएट नहीं करते, उसके दो रीजंस हैं कि हम क्यों नहीं पता चलाते। कि ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते, ये बहुत ज्यादा है, पर एक्सटिंक्ट हो तो रहे हैं, पर फिर भी दो रीजंस हैं कि हम कुछ जानवरों और पौधों को इवैल्यूएट क्यों नहीं करते। एंड देयर आर टू रीजंस कि हम कोई जानवर पौधों को इवैल्यूएशन नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। एक है या तो ये रेयर स्पीशीज हैं, मतलब इनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ही कम है और ये एनवायरमेंट में खुद ही जिंदा नहीं रह पाते, और दूसरा इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज मतलब हम तो कुछ नहीं कर रहे, ह्यूमन बींग्स उनको स्मगल भी नहीं कर रहे, फिर भी पता नहीं वो खत्म होते जा रहे हैं। सो दोस इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। रेयर स्पीशीज वो है द स्पीशीज विद नेचुरली
स्मॉल पॉपुलेशंस, ये वो स्पीशीज हैं जिनके ऑलरेडी पॉपुलेशंस कम हैं. दीज आर स्पीशीज विद नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशंस. एग्जाम्पल क्लाउडेड लेपर्ड एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये वो स्पीशीज हैं जो ऑटोमेटिकली ही जिनकी पॉपुलेशन कम होती है. इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज भी ज्यादा नहीं होती, तो ये और कम ही रहते हैं या खत्म होते जाते हैं. तो इनडिटर्मिनेट स्पीशीज कौन सी है? दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. ये खत्म होते जा रहे हैं, पर क्यों? दैट वी डोंट नो. दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बट रीजन इज नॉट नोन. अब इसमें एग्जाम्पल है रैबिट ऑफ सुमात्रा. पता ही नहीं है क्यों गायब हो रहा है. ये थोड़ा वो होता है, शॉर्ट ईयर्ड होता है. और इधर ना आप और लिख सकते हो इसके अंदर, रेयर स्पीशीज के अंदर जो रिप्रोडक्टिवली भी लो हो और कम पॉपुलेशन है इनकी और धीरे धीरे अपने आप कम होती जा रही है, उसके अंदर आप एक और लिख लो मॉन्क सील. दिस कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल. अब है एडवांटेजेस ऑफ रेड डेटा बुक. सबसे पहली एडवांटेज, नेचुरली इंफॉर्मेटिव बुक है भाई, इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है इससे. इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च वर्क. इससे हमें रिसर्च वर्क में भी इंफॉर्मेशन है कि हमें किन जानवरों को रिसर्च वर्क में लेना चाहिए, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, किनको हमें, किनके एम्ब्रियोस को हम फ्रीजिंग पॉइंट पर संभाल के रख सकते हैं, किनके नहीं रखे जा सकते. रिसर्च वर्क कर सकते हैं अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो. इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च वर्क एंड टू मॉनिटर. और ये आजकल कई प्रोग्राम्स चलते हैं, कई एनजीओस चलाती हैं, कई एनवायरमेंटलिस्ट कई प्रोग्राम्स चलाते हैं जो ये कहते हैं कि हम इन जानवरों और पेड़ों की सुरक्षा करेंगे. तो रेड डेटा बुक में काउंट करके आए साल हमें पता चल जाता है कि क्या ये एनजीओस और एनवायरमेंटलिस्ट अपना काम कर रहे हैं कि नहीं भी कर रहे. एंड टू मॉनिटर प्रोग्राम्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू कंजर्व रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंड टू मॉनिटर प्रोग्राम्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू कंजर्व रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो जो रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, कई लोग ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उनको सुरक्षित रखेंगे, तो उन प्रोग्राम्स की भी मॉनिटरिंग हो जाती है, उनका चेक हो जाता है. एक इस बुक के अंदर ना एक चीज अच्छी है, इस बुक के अंदर ना अलग अलग कलर कोड्स को यूज किया गया है. जैसे मुझे दो कलर कोड्स का पता है कि ब्लैक कलर उन जानवरों के लिए यूज करते हैं, ब्लैक कलर में उन जानवरों के नाम लिखे जाते हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, रेड कलर में उनके नाम लिखे जाते हैं जो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिर ब्राउन कलर आता है, ग्रीन कलर भी आता है. तो अलग अलग कलर कोड्स हैं. दिस बुक हैज कलर कोडेड इंफॉर्मेशन. This book has colored color-coded information sheets like black for extinct and red for endangered species. So these are the two मेजर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो रेड डेटा बुक की हैं. नाउ टू सिंपल डिसएडवांटेजेस. हमने अभी देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत इंफॉर्मेशन रेड डेटा बुक में नहीं है. लेस और नो इंफॉर्मेशन ऑन माइक्रोब्स. Less or no information on microbes.
और अभी मैंने आपको बताया था कि कई बार इस बुक अपडेट नहीं भी किया जाता तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होती है. मेनी टाइम्स द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू लैक ऑफ अपडेशन.